सेज ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सेजवान हक्का नूडल्स। फ्रेंड्स, सेजवान हक्का नूडल्स बनाने के लिए पहले हमें नूडल्स को बॉईल करना है। तो यहाँ मैंने एक पैन में पानी रख दिया है, हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये हक्का नूडल्स। और इसे हमें बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, हमें 80% तक हमारी नूडल्स को बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी नूडल्स जो है वो 80% कुक हो गई है। यहाँ हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम नूडल्स को निकाल देंगे। तुरंत ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारी नूडल्स जो है वो ओवर कुक ना हो। एक प्लेट में मैंने नूडल्स को निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, अब हम बनाते हैं हक्का नूडल्स। यहाँ मैंने एक लिए कढ़ाई, हम गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली कटे गार्लिक। और फ्लेम को यहाँ आपको लो रखना है ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो जले ना। और इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो फाइनली चॉप कर लिया है। इसे 2 सेकेंड के लिए हम भून लेंगे। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया है, इसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो ट्रांसलूजेंट हो जाए। और इसके साथ मैं डाल दूंगी ड्राई चिली, रेड चिली। अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला पार्ट, मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऑनियन में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे वेजेस। फ्लेम को हम करेंगे मीडियम टू हाई। और मैं यहाँ डाल रही हूँ बीन्स फाइनली चॉप की हुई। तो फ्रेंड्स, हक्का नूडल्स में मेन चीज़ होती है आपकी वेजीज को कट करना। अगर आपने वेजीज को अच्छे से कट किया है तो आपकी चाउमीन जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कैप्सिकम ग्रीन कलर वाली। हम इसमें डालेंगे कैरेट और इसके साथ ही हम डालेंगे पत्ता गोभी। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन सॉस। इसके साथ ही हम डालेंगे रेड सॉस।
और सोया सॉस, और सेजवान सॉस। तो फ्रेंड्स मैं प्रेफर करती हूँ वेजेस में ही डालना अपने सॉसेस, फिर वो नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा केचप और डाल देंगे विनेगर, सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें नूडल्स और थोड़ा सा डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट और इसे हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे आपको स्लाइटली मिक्स करना है ताकि हमारी नूडल्स जो है वो टूटे ना। तो फ्रेंड्स फ्लेम को यहाँ ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी हक्का नूडल्स, सेजवान हक्का नूडल्स रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी हक्का नूडल्स रेडी है, आप देख सकते हो कितनी यमी बनी है। और अब हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को इनेबल कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।